नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर खुशबू। मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट और IVF कंसल्टेंट हूं। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एजोस्पर्मिया के बारे में। एजोस्पर्मिया पुरुष बांझपन के लिए जिम्मेदार एक ऐसी स्थिति है जहां पुरुष के वीर्य में एक भी शुक्राणु नहीं पाया जाता है। सीमेन में स्पर्म निल होते हैं या इतनी कम मात्रा में होते हैं कि हम उनका पता नहीं लगा पाते हैं। मेल इनफर्टिलिटी के लगभग 15% केसेस में एजोस्पर्मिया पाया जाता है। जैसे ही एक दंपत्ति को एजोस्पर्मिया के बारे में पता चलता है, दंपत्ति निराश हो जाते हैं। उन्हें लगता है वो माता पिता कभी नहीं बन सकते हैं, या फिर इकलौता ऑप्शन प्रेगनेंसी का डोनर स्पर्म वीर्यदान है। उन्हें लगता है कि कभी वो अपने बायोलॉजिकल चाइल्ड के पिता नहीं बन सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, साइंस ने बहुत तरक्की की है। IVF टेस्ट ट्यूब बेबी के क्षेत्र में बहुत विकास हुआ है। टेसा, माइक्रो टेसा, पेसा जैसी एडवांस तकनीक का इस्तेमाल करके एजोस्पर्मिक पेशेंट्स भी अपने शुक्राणु से, अपने स्पर्म से, अपने खून से प्रेगनेंसी कर सकते हैं, प्रेगनेंसी ले सकते हैं और पिता बनने का सुख प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम यही बात करेंगे, एजोस्पर्मिक पेशेंट, नील शुक्राणु वाले पुरुष कैसे पिता बन सकते हैं। लेकिन ये डिस्कस करने के पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि शुक्राणु कैसे बनते हैं, स्पर्म कैसे तैयार होता है। शुक्राणु का निर्माण टेस्टिस अंडकोश के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में कंटिन्यूअस होता रहता है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से निकलकर स्पर्म एपिडाइडिमिस से होते हुए वास डिफरेंस पहुंचती है और स्खलन के दौरान पुरुष के यूरेथ्रा पेशाब के रास्ते से लिंग से निकलकर इजैकुलेट हो जाती है। ये सारा प्रोसेस जो है स्पर्म बनने के प्रोसेस को हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, जो हमारे शरीर में पिट्यूटरी हॉर्मोन्स के कंट्रोल में होती है। फ्रेंड्स, तो अगर किसी पुरुष के शुक्राणु नील आते हैं, वीर में कोई भी शुक्राणु नहीं है, इसका दो कारण हो सकता है। या तो शुक्राणु प्रोड्यूस ही नहीं हो रहे हैं, निर्माण ही नहीं हो रहा है, या फिर शुक्राणु बन रहे हैं लेकिन रास्ते में कोई ब्लॉकेज आ जा रहा है। कहीं जो टेस्टिस से निकलकर यूरेथ्रा से पहुंचने तक का जो रास्ता है, वहां पे कहीं पे ब्लॉक हो गया है। इस टाइप के एजोस्पर्मिया को हम ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया कहते हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया कई कारणों से हो सकती है। कभी आपके गुप्तांगों में संक्रमण हुआ हो, आपको कोई चोट लगी हो, कोई आपका हर्निया या हाइड्रोसील का ऑपरेशन हुआ हो, या फिर अनुवांशिक बीमारी जैसे कि कॉन्जेनाइटल एब्सेंस ऑफ वास डिफरेंस हो, ऐसे केसेस में आपको ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया देखने को मिल सकता है। नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया यानी कि शुक्राणु बन ही नहीं रहे हैं या इतने कम बन रहे हैं कि सीमेन में निकलकर आ नहीं रहे हैं। नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया जेनेटिक डिसऑर्डर्स, आनुवांशिक बीमारी, किसी भी संक्रमण, गुप्तांगों में चोट लगने की वजह से हो सकता है। तो फ्रेंड्स, हम पता कैसे करेंगे कि ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया पुरुष को है या फिर नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया है? तो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले कि जो हमारे पेशेंट हैं उनका होल बॉडी एग्जामिनेशन करते हैं, हार्मोनल टेस्ट कराते हैं, स्क्रॉटम का अल्ट्रासाउंड किया जाता है, कलर डॉपलर किया जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके हार्मोनल एसेज नॉर्मल है, अल्ट्रासाउंड नॉर्मल है, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया होगा। और अगर आपके हार्मोनल एसेज नॉर्मल नहीं है या फिर अल्ट्रासाउंड में टेस्टिस हेल्दी नहीं दिखाई दे रही है, तो नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया के चांसेस बढ़ जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर और आसान भाषा में मैं समझाऊं तो ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया जैसे कि अगर टंकी है आपकी, पानी की टंकी है, नल में पानी नहीं आ रहा है, वो दो कारणों से हो सकता है। अगर आपके टंकी में पानी ही ना हो, या आपके टंकी में पानी हो लेकिन पाइप में कहीं ब्लॉक हो जिसकी वजह से आपका पानी नहीं आ रहा है। तो फ्रेंड्स, प्रैक्टिकली अगर आप के नल से पानी नहीं आ रहा है, आपको पानी की ज़रूरत है लेकिन आपके टंकी में पानी है, तो क्या करोगे? इमिडिएटली आप अपनी टंकी से डायरेक्टली पानी ले लेंगे। और यही आंसर है हमारा, सर्जिकल रिट्रीवल ऑफ स्पर्म। हम डायरेक्टली स्पर्म को
टेस्टिस से लेकर आईवीएफ इक्सी के थ्रू आपके बायोलॉजिकल चाइल्ड को पैदा कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, टेसा माइक्रोटेसा जैसे एडवांस प्रोसीजर आ गए हैं जहां हम स्पर्म को डायरेक्टली टेस्टिस से निकाल लेते हैं। टेसा यानी कि टेस्टिकुलर स्पर्म एस्पिरेशन। टेसा में हम क्या करते हैं, एक बहुत आसान सा प्रोसीजर है फ्रेंड्स, हम एक सिरिंज और नील के माध्यम से डायरेक्टली टेस्टिस से, डायरेक्टली आपके अंडकोश से टिश्यूज निकाल लेते हैं और माइक्रोस्कोप के अंदर चेक करके हम स्पर्म की पुष्टि कर लेते हैं। जो स्पर्म हमने निकाला है उस स्पर्म से हम आईवीएफ इक्सी करके आपके बच्चे को पैदा कर सकते हैं। लेकिन तो फ्रेंड्स, ध्यान देने की बात है, अगर हम सर्जिकल रिट्रीवल ऑफ स्पर्म के लिए जा रहे हैं तो आपकी फीमेल पार्टनर, आपकी वाइफ के सारे पैरामीटर्स नॉर्मल होते हुए भी हमें उनका आईवीएफ करना होगा, क्योंकि जो हम सर्जिकल रिट्रीवल टेसा से जो स्पर्म हम निकालते हैं, शुक्राणु निकालते हैं, उनका नंबर बहुत कम होता है, उसे हम नेचुरल प्रेगनेंसी या आईयूआई के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमें जो स्पर्म मिलता है वो बहुत कम नंबर में होता है। तो हम आईवीएफ के माध्यम से आपकी जो फीमेल पार्टनर हैं उनके अंडों को उनके शरीर से बाहर निकाल लेते हैं। जो स्पर्म हमने टेसा के थ्रू निकाला था उससे अंडों में डायरेक्टली इंजेक्ट कर देते हैं, जिस प्रोसेस को हम इक्सी कहते हैं, और इक्सी से तैयार किया गया भ्रूण फाइनली आपकी वाइफ के यूट्रस में, बच्चेदानी में डाल दिया जाता है, जिससे उन्हें प्रेगनेंसी हो जाती है। तो फ्रेंड्स, टेसा एक बहुत आसान प्रोसीजर है जो लोकल एनेस्थीशिया में परफॉर्म किया जाता है, जिसके लिए आपको बेहोश करने की ज़रूरत नहीं होती है, हॉस्पिटल में भर्ती रहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन फ्रेंड्स, बहुत ऐसे केसेस होते हैं जिसमें हमें टेसा में भी स्पर्म नहीं मिल सकता है। बहुत ऐसे केसेस जहां शुक्राणु का नंबर बहुत कम है, स्पेशली जो नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव केसेस है जहां पे शुक्राणु का नंबर बहुत कम होता है, ऐसे केसेस में हम माइक्रोटीज़ा कर सकते हैं। माइक्रोटीज़ा बहुत एक नई एडवांस टेक्निक है जिसमें हम स्क्रॉटम पे एक बड़ा चीरा लगाते हैं और टेस्टिस को बिल्कुल सामने से देखकर माइक्रोस्कोप के अंदर हम टेस्टिस को देखते हैं और जो सबसे अच्छे दिखने वाले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है उन्हें पहचान कर वहाँ से टिश्यू निकालते हैं। टेसा एक ब्लाइंड प्रोसीजर था फ्रेंड्स, वहाँ पे हम टेस्टिस को देखकर, वहाँ के हेल्दी टिश्यूज को देखकर टिश्यू नहीं निकालते थे, हम कोई भी रैंडम जगह से टिश्यू निकाल लेते थे, एस्पिरेट कर लेते थे। लेकिन माइक्रोटेसा में हम माइक्रोस्कोप के थ्रू जो मोस्ट हेल्दी पार्ट है वहाँ से टिश्यूज निकालते हैं, जिससे स्पर्म निकलने के, मोटाइल हेल्दी स्पर्म मिलने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। लेकिन माइक्रोटेसा एक ऑब्वियसली कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है जिसमें आपको हॉस्पिटल में भर्ती होने की ज़रूरत पड़ती है, आपको बेहोश करके इस प्रोसीजर को किया जाता है। लेकिन वो दंपत्ति जहाँ पे नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया है, जहाँ पे टीज़ा में हमें स्पर्म नहीं मिल रहे हैं, टीज़ा में शुक्राणु नहीं मिल रहे हैं, माइक्रोटीज़ा उनके लिए बहुत हेल्पफुल है। लेकिन कुछ ऐसे कंडीशंस है, कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिनमें टीज़ा या माइक्रोटीज़ा से भी हम स्पर्म नहीं निकाल पाते हैं। ऐसे केसेस में आप आईयूआई डोनर यानी वीर्यदान के लिए सेफली जा सकते हो, या एक बहुत सेफ प्रोसीजर है, जैसे कि हम ब्लड बैंक में जमा करके रहते हैं, वैसे ही सीमेन बैंक्स होते हैं, वहाँ पे सारे इन्फेक्शियस डिजीज़ की स्क्रीनिंग, जेनेटिक डिजीज़ की स्क्रीनिंग करके सीमेन को फ्रीज करके रखा जाता है। पेशेंट की आइडेंटिटी, सीमेन डोनर की आइडेंटिटी कभी रिवील नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, ये भी बहुत चीप और इजीली अवेलेबल मेथड है जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं अगर आप टीज़ा या माइक्रोटीज़ा में आपके शुक्राणु नहीं मिलते हैं, या फिर आईवीएफ एंड सर्जिकल रिट्रीवल ऑफ स्पर्म आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, नील शुक्राणु एजोस्पर्मिक पुरुषों को निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आईवीएफ, इक्सी, टेसा, माइक्रोटेसा जैसे एडवांस तकनीक का इस्तेमाल करके आप अपने शुक्राणु से, आप अपने बायोलॉजिकल चाइल्ड के पिता बन सकते हो। अगर इस टॉपिक से जुड़ी हुई आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हैं या मुझे ईमेल कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।